देश के 10 राज्यों की 96 लोकसभा सीटों पर आज मतदान हो चुका है। इस चरण में कुल 1717 प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस चरण में कई केंद्रीय मंत्री, एक पूर्व मुख्यमंत्री भी मैदान में है। आइए जानते हैं हाई प्रोफाइल सीटों का क्या है हाल, किसका पलड़ा रहेगा भारी। चौथे चरण की वोटिंग खत्म होने के साथ ही देश की कुल 543 लोकसभा सीटों में से 376 पर जनता का मत ईवीएम में कैद हो चुका है। इस बार बीजेपी के लिए रास्ते आसान नहीं दिख रहे हैं। चौथे चरण के चुनाव में कई दिग्गज मैदान में हैं। इस चुनाव में 6 केंद्रीय मंत्रियों के साथ एक पूर्व सीएम की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। ऐसे में इस चरण का चुनाव भी काफी ज्यादा दिलचस्प हो गया है। इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल में तो 2 लोकसभा सीटों में 2 क्रिकेटर भी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये तो आगामी 4 जून को तय होगा। इन दिग्गजों की किस्मत ईवीएम मशीन में कैद हो चुकी है, लेकिन फिलहाल देखते हैं कहां से किसकी जीत हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं कन्नौज की, यानी यूपी की कन्नौज सीट। यहां से अखिलेश यादव प्रत्याशी हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के कन्नौज निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट से फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के सुब्रत पाठक सांसद हैं। 2019 के चुनाव में पाठक ने अखिलेश यादव की पत्नी यानी डिंपल यादव को हराकर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार ये सीट बीजेपी के हाथ से निकल सकती है, अखिलेश यादव जीत सकते हैं। वहीं हैदराबाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। यहां बीजेपी ने अभिनेता से नेता बनी माधवी लता को अपना उम्मीदवार बनाया है। माधवी लता आजकल काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में थोड़ा टक्कर दे रही हैं, लेकिन इस सीट पर ओवैसी परिवार का 1984 से कब्जा है। बताया जा रहा है कि इस बार भी ये सीट ओवैसी की झोली में जा सकती है। कृष्णानगर सीट, कृष्णानगर से तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख नेता महुआ मोइत्रा मैदान में हैं। वे फिलहाल कैश फॉर क्वेरी मामले का सामना कर रही हैं। उनका मुकाबला बीजेपी उम्मीदवार अमृता राय से है, जो कृष्णानगर राज परिवार से हैं। यहां बीजेपी और टीएमसी में कांटे की टक्कर होती हुई दिखाई दे रही है। ये सीट किसी की भी झोली में जा सकती है। वही खीरी लोकसभा सीट, उत्तर प्रदेश की खीरी लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी तीसरी बार चुनावी मैदान में है। उनके सामने समाजवादी पार्टी ने उत्कर्ष वर्मा मधुर और बसपा ने अंशय कालरा को उतारा है। यहां 2 निर्दलीय समेत कुल 11 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। यहां का मामला काफी दिलचस्प है। पिछले 1 दशक से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। ये वही सीट है जहां लखीमपुर खीरी में मंत्री के बेटे की गाड़ी से एक किसान कुचल गया था। इस मामले ने काफी ज्यादा तूल पकड़ा था। इस सीट पर भी अजय मिश्रा टेनी को कड़ी टक्कर मिलती हुई दिखाई दे रही है। सिकंदराबाद लोकसभा सीट, हैदराबाद से सटी तेलंगाना की सिकंदराबाद लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी दूसरी बार चुनावी मैदान में है। उनके सामने कांग्रेस से दानम नागेंद्र, बीएसपी से बसवानंदम दांडेपू, बीआरएस से पद्मा राव टी की चुनौती है। यहां से जी किशन रेड्डी की जीत तय मानी जा रही है। बीड लोकसभा सीट, महाराष्ट्र की बीड लोकसभा सीट पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। इसकी वजह है यहां से बीजेपी की टिकट पर पंकजा मुंडे चुनाव में उतरी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी शरद चंद्र पवार की पार्टी से बजरंग मनोहर सोनवानी और बसपा से सिद्धार्थ राजेंद्र टकनकर चुनाव लड़ रहे हैं। यहां का मामला भी काफी दिलचस्प है, स्विंग सीट मानी जा रही है, किसी के भी पाले में जा सकती है। वहीं बेगूसराय, बिहार के बेगूसराय से बीजेपी के दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने इंडिया ब्लॉक ने संयुक्त उम्मीदवार खड़ा किया है, जिसमें सीपीआई नेतृत्व कर रही है और उसे कांग्रेस, राजद और अन्य वाम दलों से समर्थन मिल रहा है। 2019 के चुनाव में यहां से कन्हैया कुमार ने चुनाव लड़ा था। इस साल सीपीआई ने अपने पूर्व विधायक अवधेश राय को संयुक्त उम्मीदवार बनाया है। इस बार गिरिराज की कुर्सी थोड़ा डवाडोल स्थिति में है। वहीं बिहार के मुंगेर में जनता दल यूनाइटेड के नेता राजीव रंजन सिंह यानी ललन सिंह का मुकाबला राजद नेता अनीता देवी से है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू के ललन सिंह ने राजद की नीलम देवी को
167,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से मुंगेर सीट को अपने नाम कर लिया था। इस बार भी राजीव रंजन भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहरामपुर, पश्चिम बंगाल का बहरामपुर निर्वाचन क्षेत्र एक बार फिर चर्चा में है। यहां विपक्ष के इंडिया ब्लॉक में सहयोगी कांग्रेस और टीएमसी एक दूसरे के खिलाफ मैदान में है। टीएमसी ने इस निर्वाचन क्षेत्र से पूर्व भारतीय क्रिकेटर यूसुफ पठान को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि उनके सामने वरिष्ठ कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी हैं। अधीर रंजन चौधरी की स्थिति बिगड़ी हुई है, क्योंकि यहां का मुकाबला त्रिकोणीय नजर आ रहा है। इसका फायदा यहां बीजेपी को मिल सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। वर्धमान लोकसभा सीट, क्रिकेटर कीर्ति आजाद टीएमसी की टिकट पर यहां से चुनावी मैदान में है। उनके खिलाफ बीजेपी ने दिलीप घोष को उतारा है। बसपा की टिकट पर प्रभुनाथ शाह और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी मार्क्सवादी से घोषाल भी चुनावी मुकाबले में है। यहां कीर्ति आजाद का बल्ला चलता हुआ नजर आ रहा है। आसनसोल, वर्धमान दुर्गापुर से मौजूदा भाजपा सांसद एसएस अहलूवालिया को आसनसोल से चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतारा है। अहलूवालिया को पवन सिंह की जगह टिकट मिला है। इस सीट पर टीएमसी ने अभिनेता से नेता बने शत्रुघ्न सिन्हा पर अपना दांव लगाया है, जो इस सीट से मौजूदा सांसद भी हैं। इस सीट पर शत्रुघ्न सिन्हा सबको खामोश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं श्रीनगर जम्मू कश्मीर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा सैयद रूहिल्ला मेहदी ने पीडीपी के वहीद पारा को चुनौती दी है। अपनी पार्टी ने मोहम्मद अशरफ मीर को मैदान में उतारा है। यह सीट मौजूदा समय में नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूख अब्दुल्ला के पास है। यहां भी मुकाबला त्रिकोणीय नजर आ रहा है। माना जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वहां से बाजी मार सकती है। आंध्र प्रदेश का कडप्पा सीट, यह हाई प्रोफाइल सीट लोकसभा क्षेत्र पारंपरिक झगड़ों की वजह से उलझा हुआ नजर आ रहा है। इस सीट पर आंध्र के पूर्व सीएम वाईएसआर की बेटी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष वाईएस शर्मिला का मुकाबला उनके चचेरे भाई वाईएस अविनाश रेड्डी से है, जो वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के टिकट पर दो बार के सांसद है। इसे स्विंग सीट माना जा रहा है। यहाँ मुकाबला काफी कड़ा है। खूंटी, झारखंड, झारखंड में बीजेपी के अर्जुन मुंडा का मुकाबला कांग्रेस के कालीचरण मुंडा से है। इस सीट से अर्जुन मुंडा मौजूदा सांसद हैं। यहां भी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर चौथे चरण में 10 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटों पर मतदान हो चुका है। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में आंध्र प्रदेश की 25 सीटों, बिहार की 40 में से 5 सीटों, झारखंड की 14 में से 4 सीटों, मध्य प्रदेश की 29 में से 8 सीटों, महाराष्ट्र की 48 में से 11 सीटों के लिए मतदान तकरीबन खत्म हो चुका है। इसके अलावा ओडिशा की 21 में से 4 सीटों, तेलंगाना की 17 की 17 सीटों, उत्तर प्रदेश की 80 में से 13 सीटों, पश्चिम बंगाल की 42 में से 8 सीटों, जम्मू कश्मीर की 5 में से 1 सीट के लिए वोट डाले गए। इन 96 सीटों पर इस बार बीजेपी वाली एनडीए को 2019 के मुकाबले काफी ज्यादा टक्कर मिल रही है। ज्यादातर सीटों पर कड़ा मुकाबला है। माना जा रहा है कि 96 में से 40 से ज्यादा सीटों पर विपक्ष मजबूत है इस बार। वहीं चौथे चरण की वोटिंग खत्म होने के साथ ही देश की कुल 543 लोकसभा सीटों में से 376 पर मतदान हो चुका है, और इन सभी सीटों पर 2019 के मुकाबले काफी कड़ा मुकाबला देखने को नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है दोस्तों, इस बार क्या होने वाला है? क्या इंडिया गठबंधन जीतेगा या फिर मोदी 400 पार जाएंगे? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।